वेलकम बैक गाइस, दिस इज देव एंड यू आर वाचिंग ऑल टैग डी। अब अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, उसमें ये JBL के तरफ से जो माइक्रोफोन आता है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो था। तो ये माइक्रोफोन मेरा ऑलमोस्ट 1 महीना से ज़्यादा हो गया मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये जब मैंने परचेस किया, इसको यूज़ करने के लिए एक मुझे माइक्रोफोन स्टैंड का रिक्वायरमेंट था। आप स्टैंड बोल सकते हो, या तो माइक्रोफोन आर्म या बूम आर्म बोल सकते हो, उसका रिक्वायरमेंट था। हालांकि ये एक स्टैंड के साथ आता है, एक पोर्टेबल स्टेबल स्टैंड के साथ आता है। तो पोर्टेबल स्टैंड का क्या प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आप अगर स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो, तो पोर्टेबल जो टेबल स्टेबल स्टैंड होता है, उसमें आपको प्रॉपर, मतलब आपका वॉइस क्लियरिटी आने के लिए प्रॉपर एंगल एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल का काम है। और अगर आप स्क्रीन के सामने रखते हो, जिससे आपका प्रॉपरली आपका वॉइस कैप्चर हो सके स्ट्रीमिंग के दौरान, तो आपका प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब गेम खेलते हो उसमें आपको एक डिस्ट्रैक्शन सा होता है। हालांकि सबको नहीं होता है, मगर मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे एक माइक्रोफोन स्टैंड का रिक्वायरमेंट था। तो मैं इनिशियली, मुझे स्टैंड के रिगार्डिंग कोई आइडिया नहीं था, और मैं मतलब ज़्यादा मतलब पैसा इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो मैंने परचेस किया ये वाले माइक्रोफोन स्टैंड का। अब गाइज, ये एक अल्ट्रा बजट का स्टैंड है, और ये आपको अराउंड 350-360 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा अमेजोन में। और ये एक जेनरिक स्टैंड है। अब जेनरिक स्टैंड का मतलब क्या है, मतलब आपको ऑलमोस्ट 500-600 तक के रेंज में आपको अमेजोन में बहुत सारे माइक्रोफोन स्टैंड मिलेंगे अलग अलग कंपनी के नाम से। मगर जब आप बॉक्स खोलोगे, आपको ऐसा वाला ही एक स्टैंड देखने को मिलेगा। तो ये एक जेनरिक है, अलग अलग मतलब ब्रांड परचेस, मतलब परचेस करते हैं या अपना ब्रांडिंग करके मार्केट में सेल करते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्राइस। तो आज के वीडियो में हम इस माइक्रोफोन का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग, एक छोटा सा रिव्यू और एक छोटा सा इंस्टॉलेशन कर लेंगे। सब छोटा छोटा क्यों है गाइस, क्योंकि इसमें एक्चुअली कुछ खास अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए है नहीं, और इंस्टॉलेशन तो इसका बहुत ईजी है गाइस। मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरे जैसा माइक्रोफोन या कोई भी आप USB माइक्रोफोन परचेस करते हो जो एक स्टैंड के साथ नहीं आता है, तो मैं आपको एक अच्छा बजट में आपको एक ऑप्शन सजेस्ट कर पाऊँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही अपना पैटर्न में वीडियो को मतलब स्टार्ट करेंगे। पहले हम छोटा सा एक बॉक्स का ओवरव्यू, फिर उसके बाद एक छोटा सा अनबॉक्सिंग, फिर प्रोडक्ट का एक रिव्यू कर लेंगे, और उसके बाद इंस्टॉलेशन, और फाइनली इस प्रोडक्ट का प्रोज एंड कॉन्स के रिगार्डिंग बात कर लेंगे। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए कुछ खास नहीं है, बॉक्स का ओवरव्यू पूरा सिंपल है। आपको साइड में आपको थोड़ा इसका इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह मिल जाएगा। और बॉक्स को खोलते ही आपको तीन अलग अलग पैकेट्स में तीन अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेगा। फर्स्ट आपको एक क्लैंप मिल जाता है। अब क्लैंप का क्या काम है, देखिए क्लैंप का मदद से आप इसको टेबल के एज में क्लैंप को आप मतलब इंस्टॉल करेंगे। फिर उस क्लैंप के अंदर आप अपना माइक्रोफोन को प्रॉपरली इंसर्ट करके टाइट करेंगे। अब क्लैंप का क्वालिटी गाइस ठीक ठाक है, काफ़ी बढ़िया है प्राइस के हिसाब से। और ये कोई भी मतलब आप जेनरिक ले लीजिए, ऑलमोस्ट सारे हेडफोन मतलब माइक्रोफोन स्टैंड का क्लैंप ऐसा ही होता है, और क्लैंप इजीली आपका इंस्टॉल हो जाता है। मगर क्लैंप का एक मतलब आपको एक चीज़ मतलब ध्यान में रखना होगा, आप अगर ऐसा कोई माइक्रोफोन स्टैंड परचेस करते हो, आप मेक श्योर आपका जो टेबल का एज है वो एटलीस्ट 2 या तो 2.5 इंच का हो, क्योंकि क्लैंप का जो बेस है उसका बेस का जो डायमीटर है वो उतना है। तो अगर आपका मतलब जो एज है वो छोटा है, तो आपका क्लैंप मतलब आप टाइट नहीं कर पाओगे, तो आपको अलग सारा जुगाड़ लगा के आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर क्लैंप के बाद आपको एक माइक्रोफोन होल्डर मिल जाता है, और ये जो माइक्रोफोन का होल्डर है ये आपका नॉर्मली मतलब जो माइक्रोफोन का बेस पतला होता है उनके लिए है, नॉर्मली डायनामिक माइक्रोफोन के लिए ही है ये होल्डर। आपका USB माइक्रोफोन, जैसे कि मेरा जो माइक्रोफोन है ये काफ़ी मोटा है, इसमें आपका वो होल्डर लगेगा नहीं, या अगर आप ब्लू येटी वगैरह लेते हो उसमें तो और लगेगा नहीं, उसका बेस और मोटा है।
तो ये जनरली पतला बेस का माइक्रोफोन है, उनके लिए होल्डर है। और ये होल्डर को आप जो आर्म है, मतलब माइक्रोफोन स्टैंड है, उसका फ्रंट में एक स्क्रू टाइप का नॉब होता है, उसमें आपको टाइट करके फिर उसके अंदर आपको माइक्रोफोन को लगाना है। फिर फाइनली आपको मिल जाता है जो स्टैंड है। अब स्टैंड के रिगार्डिंग हम थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए ये ब्लैक कलर का मैट फिनिश में आता है, तो और रिगार्डिंग इसका क्वालिटी गाइस, क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। मैं प्राइस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और स्टर्डी भी लगता है, हल्का है काफ़ी गाइस। हल्का मीन्स आपको हार्डली ये 100-150 ग्राम्स का होगा, मैक्सिमम 200 ग्राम्स का होगा। और दोनों तरफ टोटल मिला के 4 स्प्रिंग वगैरह है, स्प्रिंग का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था बेसिक प्रोडक्ट का ओवरव्यू। अब इसका हम इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन इसका एकदम सिंपल है गाइस। आपका जो क्लैंप दिया गया है उसको पहले आपको टेबल के एज में, जैसे मैंने आपको बोला है, दो तीन बात आपको मेक श्योर करना है, आपका एज काफ़ी हो ताकि आपका क्लैंप इंस्टॉल हो सके। उस क्लैंप को आपको टाइट कर देना है। फिर टाइट करने के बाद आपको वहाँ में जो स्टैंड है, स्टैंड का जो बेस है, उसको इंसर्ट करके फिर आपका एक प्लास्टिक का नॉब होगा। नॉब एक्चुअली मतलब आयरन का है, मतलब नॉब का जो ग्रिप है प्लास्टिक का है, उसको आपको टाइट कर देना है। फिर आपको टाइट करने के बाद आपका जो माइक्रोफोन का स्टैंड है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। अब आपका फ्रंट में आपको डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ योर माइक्रोफोन, अगर आपका वो पतला बेस वाला है, इसके साथ जो मतलब होल्डर दिया गया उसमें होल्ड करके, या तो मेरा जो जैसे माइक्रोफोन है उसमें एक अलग सा मतलब क्या बोलूँ, एडाप्टर या नॉब बोल सकते हो लगता है, वो मेरे बॉक्स में ही आता है, उसको पहले मैंने लगा लिया, फिर उसको इसका जो फ्रंट में जो रॉड दिया गया है उसमें मैं मतलब स्क्रू करके टाइट कर दिया है। तो ये सिंपल इंस्टॉलेशन था। और इसमें आपको फ्रंट में एक अलग सा नॉब मिल जाता है, उस नॉब के मदद से आप आपका जो माइक्रोफोन का एंगल है वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सिंपल माइक्रोफोन का मतलब इंस्टॉलेशन था। अब इसका एडजस्टमेंट के लिए मैंने आपको बोल दिया, फ्रंट में एक नॉब है, उससे आप माइक्रोफोन का प्रॉपर माइक्रोफोन का एंगल एडजस्ट कर सकते हो। फिर बीच में इन द मिड ऑफ द जो प्रॉपरली मिड है माइक्रोफोन का स्टैंड का, मिड में आपको मतलब बहुत सारे स्क्रू के मदद से और दो स्प्रिंग के मदद से एक मतलब एंगल एडजस्टमेंट करने के लिए आपको मिल जाता है। उसे आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइक्रोफोन का जो पर्टिकुलर एंगल है 120 डिग्री या 180 डिग्री, जिस एंगल में रखना चाहते हो उससे आप इसको एंगल को एडजस्ट कर सकते हो। और गाइज ये जो मतलब माइक्रोफोन का जो एंगल है काफ़ी स्ट्रांग है गाइज, और काफ़ी टाइट भी है। और स्क्रू दिया गया है अलग से, आप स्क्रू को रेंच के मदद से इसको टाइट और लूज कर सकते हो। और एक अलग सा नॉब भी दिया गया है, नॉब से भी आप इसको टाइट कर सकते हो। और लास्टली आप इसका जो बेस है, बेस का जो नॉब है, उस नॉब को लूज करके आप माइक्रोफोन का पूरा बेस को रोटेट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन योर एंगल। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट इंस्टॉलेशन, यही इंस्टॉलेशन। इसमें कोई इंस्टॉलेशन में कुछ अलग सा कुछ मैनुअल का रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि इसलिए बॉक्स में मैनुअल दिया गया भी नहीं है, आपको बॉक्स के साइड में ही आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्योंकि ये इतना सिंपल है, आपको ये इंस्ट्रक्शन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ये था माइक्रोफोन का इंस्टॉलेशन। अब हम अपने फाइनल सेगमेंट में आ जाते हैं कि आपको ये माइक्रोफोन परचेस करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो क्यों, अवॉइड करना चाहिए तो क्यों। डायरेक्टली हम प्रोज एंड कॉन्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। अब क्यों आपको ये परचेस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये एकदम अल्ट्रा बजट में आता है, 350-360 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा, हार्डली 380 रुपीज़ तक जाता है इसका प्राइस। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और सेकेंडली इसका बिल्ड क्वालिटी गाइस, इसका जो प्राइस है उस हिसाब से, जो प्राइस में क्या बोलूँ, 500 तक के प्राइस के हिसाब से बढ़िया है इसका बिल्ड क्वालिटी। इसमें आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है, तो ब्लैक कलर कोई भी सेटअप के साथ एडजस्ट हो जाता है। और ये काफ़ी हल्का भी है गाइस, तो आपका अगर मतलब टेबल का ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये आराम से आपका टेबल कोई भी क्वालिटी का टेबल हो आराम से होल्ड कर लेगा। और मतलब मैं जनरली जो स्टैंड वगैरह देखता हूँ बजट सेगमेंट का, उसमें क्या होता है, आप अगर ज़्यादा वेट डालते हो, मतलब माइक अगर ज़्यादा भारी है आपका माइक्रोफोन, तो ये स्टैंड गिर जाता है, या तो आपका जो स्टैंड का एंगल है वो लूज़ हो जाता है, या तो स्लाइड होने लगता है नीचे। तो इस केस में ऐसा नहीं है, हालांकि मेरा माइक्रोफोन का वेट ज़्यादा नहीं है, ये अराउंड 600 ग्राम्स का है,
मगर वेबसाइट में जैसा दिया गया है 1 to 1.5 kg तक का ये होल्ड कर सकता है। तो आई एम श्योर इसका क्वालिटी और इसका बिल्ड देख के ये 800 ग्राम 900 ग्राम तक का ले लेगा। जैसे ब्लू येटी वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो उसमें भी मेरे हिसाब से ये उसका वेट आराम से ले लेगा। और इसका स्प्रिंग वगैरह काफ़ी टाइट है गाइस, और इसीलिए आपको ये परचेस करना चाहिए। अब किन को परचेस नहीं करना चाहिए, कौन इसको अवॉइड करना है, देखिए सिंपल मैं बात बोलूँगा। अगर आपका बजट ज़्यादा है और अगर आप एक फाइनल फिनिश्ड वन टाइम परचेस करना चाहते हो और आपको अगर एक बेटर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और इसमें एक प्रॉब्लम आपको और मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसे जेनरिक प्रोडक्ट में आपको एक दो वाइट और रेड कलर का मिल जाता है, मगर ज़्यादा कलर का ऑप्शन नहीं है। तो आपको अगर प्राइसियर चाहिए जैसे ब्लू की तरफ से आता है वो सब परचेस कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, ज़्यादा उसको एडजस्टमेंट मिल जाता है और वो थोड़ा स्टर्डी होता है इसके कंपेरिजन में। तो यही था आज के वीडियो के लिए, होप आपको पसंद आया होगा। और छोटा सा था वीडियो और ये बेसिक सा वीडियो था, क्योंकि देखिए मैंने माइक्रोफोन का तो एक वीडियो बना दिया और मैंने माइक्रोफोन परचेस किया। अगर नॉर्मली माइक्रोफोन का अगर वीडियो बनाते हैं तो उसका एक आम खम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई यूएसबी माइक्रोफोन लेते हो जो मतलब स्टैंड के साथ नहीं आता है, तो आपको मैं मतलब मेरा काम यही है आपको बजट में एक अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाऊँ, तो ये आप ले सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको लेना है तो काइंडली मेरे लिंक से लीजिए, थोड़ा चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।